तो क्या हुआ, देवी ताई अपने दिल का हाल मुझसे शेयर कर लेती तो कुछ समय के लिए सही, लेकिन हूँ तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा ही ना। और भला मुझे देवी ताई को क्या नुकसान हो सकता है? और आप जब देखो तो मुझे ना समझ समझ के डांटते रहते हैं। ये आपका हुक्म चलाना, ये डांटना और ये लगाम खींचना, ये डील का पार्ट नहीं था। कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हो तुम इस शब्द का, डील। जब देखो डील 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 लगा रखा है। अगर तुम मुझे ये डील की याद दिला रही हो ना, मैं भी तुम्हें याद दिला दूं। डील तो ये भी नहीं थी कि तुम मेरे परिवार के निजी मामलों में दखलअंदाजी करो। सही, देवी ताई अपना अतीत याद करके उसके बारे में बात करके दुखी हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ताई दुखी हो। लेकिन देवी ताई के साथ हुआ क्या था? उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है सही। जो बातें बरसों पहले हो चुकी हैं, उनका जिक्र करके कोई फायदा नहीं है। माना तुम इस परिवार का हिस्सा हो सही, बिल्कुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन मामलों में भी तुम अपनी नाक घुसाओगी जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मुझे दूसरों के मामले में नाक घुसाने का ना ही शौक है और ना ही आदत। देवी ताई खुद आई थी मुझसे अपनी दिल की बात करने, और मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ कि उनकी जैसी प्यारी मासूम लड़की उसका दिल तोड़ दूँ। उन्हें अगर मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, अपने दिल की बात शेयर करना अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें भगाने वाली नहीं हूँ। वो वैसे भी अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेल रही है, मैं उनकी तकलीफ हटा नहीं सकती, लेकिन कम तो कर सकती हूँ ना। सही, जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना समझो। प्लीज आज के बाद तुम देवी ताई से दूर रहोगी, एंड दैट्स इट। काय वही नहीं, वो बर्तन तो हम लोग 6 महीने यूज भी नहीं करते, फिर भी आप करिश्मा से वो हर 6 महीने में धुलवा के लेती हो। इस बार वो नई धोएगी बस। मेरी बहू सब्जी भी काटेगी, रात का खाना भी बनाएगी, क्या तो मेरी बहू करेगी क्या? पत्रलेखा भाभी है ना, वैसे भी वो खाली है, तो वो कर देंगे, अब उनको कह दो। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पत्रलेखा है किधर? अभी तक तो उसको रसोई किचन बाबूजी खाने में आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आई ना, तो बस अब वही करेगी ये सब। सही, तुम्हें कुछ पता है पत्रलेखा कहाँ है? सॉरी विराट, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तुम्हारे पास कोई दवाई होगी? आई, वो शायद वो कल रात को ढंग से सो नहीं पाई होंगी। ढंग से नींद नहीं आई मतलब? कल रात को वो हमारे कमरे में आई थी, उनका काफी सिर दर्द हो रहा था, तो विराट सर से दवाई लेने आई थी। कल रात? भाभी कल रात तो आपकी और विराट दादा की सुहागरात थी ना, फिर भी कल रात भी वो आप दोनों को परेशान करने आ गई। पत्रलेखा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। वैसे सही, पत्रलेखा सिर्फ मेडिसिन दवाई औषध लेकर चली गई थी क्या? नहीं, वो पता नहीं क्यों विराट सर और मुझ पर गुस्सा होने लगी, फिर थोड़ी देर में दवाई लेकर अपने कमरे में चली गई। अच्छा, मस्त मस्त शुरू कर दिया तूने अपने सास को चुगली करना। वो ना वही नहीं, मिर्च मसाला बातों में नहीं सब्जी में लगता है, और चव्हाण खानदान को तीखा पकवान पसंद है, तीखी जुबान नहीं। तो फिर आपकी बोलती है क्या? सही, तोड़ ठीक से तोड़। वो बेचारी पत्रलेखा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रसोई घर में नहीं आएगी। आखे की तबीयत ठीक नहीं है, yeah।
करा सकता हूं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो कल भी तुम्हारा सर दर्द कर रहा था और आज मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये दवाइयां लाया हूं मैं, फिलहाल ये ले लो, पर बाकी मुझे लगता है कि हमें तुम्हें डॉक्टर को दिखाई लेना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ विराट, और तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दवाई के लिए थैंक्स, अब तुम जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? कभी कभी जिस्म ही नहीं दिल भी बीमार हो जाता है विराट, और जब दिल बीमार होता है ना तो जिस्म तो दर्द करेगा ही। और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इसकी भी आदत डाल ही लूंगी, शायद यही एक तरीका बचा है जिंदगी गुजारने का। जब तक मैं हूं बाकी तब तक तुम जिंदगी गुजारोगी नहीं, जियोगी। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द बन के तुम्हारे साथ रहूंगा, पास रहूंगा। बाकी कल रात को तुमने जो कुछ भी देखा वो महज एक गलत फहमी थी। वो हमारे रूम में एक छोटी सी छिपकली आ गई थी, सही उसे देख के डर गई थी और फिर अचानक से मेरे पर आके। ऐसी बात है ना विराट, तुम हर बार अपनी हर गलती की सफाई दे देते हो और मैं हर बार तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। सफाई? अगर तुम मेरी हर बात पर यकीन कर लेती हो तो बाकी तुम्हें मेरी इस बात पर भी यकीन करना पड़ेगा कि सम्राट वापस आएगा और तुम्हारी खुशियां भी लौटेंगी उसके साथ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे नहीं लगता विराट कि मैं अब कभी खुश भी रह पाऊंगी या नहीं। तुम रहोगी बाकी, फिलहाल अपना ख्याल रखना। तुम नहीं समझोगे विराट, तुम कभी नहीं समझोगे। शायद सम्राट वापस आ भी जाए लेकिन अब मेरी खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। कुछ ही दिनों में मेरा रिजल्ट आ जाएगा आबा, मुझे अच्छे नंबरों से पास करा देना प्लीज। मेरा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भी बस क्लियर हो जाए। मेरी मार्कशीट? मार्कशीट?
तुम सोई नहीं? जब आपको दिख रहा है कि मैं जगी हुई हूँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं अभी सोई नहीं तुम? गलती हो गई, फिर से पूछता हूँ ठीक तरह से, तुम अभी तक क्यों सोई नहीं? काम कर रही थी। क्या काम? आपको उससे क्या करना? तुम सीधे मुझे जवाब नहीं दे सकती? बस इतना सा पूछा था ना मैंने कि तुम क्यों नहीं सो रही हो। आप अपने सोने का सोचिए, कल सुबह आपको ऑफिस जाना है। और आपको मेरे जागने से प्रॉब्लम क्या है? इस घर में मैं अकेली तो नहीं जाग रही। और कौन जाग रहा? पाखी दीदी। अब आप आई गए तो इस सूटकेस उतार दीजिए। उतरोगे? क्या कर रही थी? जितना बोलो उतना ही करेंगे। आई ने आपके लिए टेबल पे खाना रखवाया है, खा लीजिए। अरे ठीक है तो रुके। नाक से खाना है क्या? क्या? कुछ नहीं, खुद की चीखे संभाल नहीं सकते और दूसरे को दवाइयां देने चले। पाखी दीदी के यहां से दवाइयां लेके आऊं आपके लिए? मतलब क्या तुम्हारा? इसमें मतलब की क्या बात है? मैंने देखा आप पाखी दीदी के कमरे में गए थे दवाइयां लेकर। तुम मुझ पर नजर रख रही हो? हमारा कमरा कोई दूसरे शहर में नहीं है, आसपास ही है। आप मुझे उनके कमरे में जाते हुए दिख गए थे। हाँ तो पाखी की तबीयत खराब थी, उसका हालचाल पूछने गया था मैं। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, दोस्त होने के नाते इतना तो करना जरूरी था। आप हमेशा मुझे ये माय बेस्ट फ्रेंड वाला ऐसे क्यों सुनाने लगते हैं? तो तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? और मैं पाखी को मिलने जाऊं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोस्त है ना मेरी वो, और शादी के वक्त हमारी बात भी हो चुकी थी सही कि पाखी और मेरी दोस्ती के बीच में तुम नहीं आओगी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी दोस्ती से। मैंने आपको कब मना किया उनसे बात करने के लिए? आप उनसे जितनी बात कर रही है करिए, आप रात दिन उनसे बात करिए। हाँ तो? हाँ, लेकिन ये जो आपकी दोस्त है रात बेरात बार बार इस कमरे में आती है ना, उस पे मैं कुछ बोलूं भी ना। आप उनसे जितनी दोस्ती निभानी है शौक से निभाइए, लेकिन उनके कमरे में जाकर, इस कमरे में नहीं। तुम्हें पाखी से दिक्कत क्या है? तुम जैसे बोल रही हो ना, ऐसा लग रहा है तुम जल रही हो। वो मेरे इतने कोई खास नहीं है जो आप उनसे जाके बात करो और मैं जलूं। सही, तुम अभी बिना सोचे समझे मुझसे बात कर रही हो। ऐसा आपको लगता है? मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। और आप ना गुस्से में इतना तेज मत चलाइए, वरना आपकी वो बेस्ट फ्रेंड आ जाएंगी भागती भागती। क्या हुआ विराट, सब ठीक तो है विराट? और उनका इतनी रात को आना ना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। सही, क्या हुआ विराट, सब ठीक तो है? देखिए, हो गई ना मेरी भविष्यवाणी सच। तुम अपनी हद मत पार करो सही। वो मैंने तुम दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए देखने आ गई कि क्या प्रॉब्लम है। सही, कहीं तो मेरी वजह से, तो मेरा मतलब है कि विराट मुझसे मिलने आया था तो तुम दोनों इस बात पे झगड़ा कर रहे हो? विराट बोलो, क्या सही इसलिए तुम पर चिल्ला रही है? पहले आप बोलिए, ऐसा भी क्या हो गया जो आप भागी भागी हमारे कमरे में आ गई? मान लीजिए पति पत्नी के बीच झगड़ा हो भी रहा है तो आधी रात को किसी तीसरे का आने का क्या मतलब? पति पत्नी के बीच तो अक्सर ये बहस होती रहती है, तो फिर क्या हर बार ऐसे ही भागती भागती हमारे कमरे में आएंगी किसी भी वक्त? तमीज मत बोलो। तुम ठीक कह रही हो सही, मैंने तुम्हारे कमरे में आकर गलती कर दी। पाखी दीदी तो मुझे गाइड करने वाली थी लाइफ में मैच्योर होने के लिए, लेकिन दीदी आप तो खुद ही ऐसे बच्चों जैसी गलतियां कर रही हैं। तुम्हारी जबान पे कोई काबू नहीं है ना? मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि सब ठीक तो है। कमाल है, विराट सर तो कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ खुद देखने आई थी कि सब ठीक है कि नहीं। सही, तुम कैसे बोल रही हो? मैं सच बोलने से घबराती नहीं और मैं अपने अंदर कुछ छुपा के नहीं रखती। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ दोनों, क्या कर रहे हो? अगर आप दोनों को बातें करनी है तो शौक से जाइए उनके कमरे में बातें करिए,
मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो एक ही बात बार बार दोहराता हो। विराट तुम प्लीज मेरे कमरे में आना छोड़ दो, वरना सही बार बार ऐसा ही बखेड़ा खड़ा करती रहेगी। गुड नाइट। मैंने पाखी दीदी को कुछ ज्यादा तो नहीं सुना दिया? नहीं नहीं, मैंने जो बोला एकदम सही बोला। बस 3 दिन बचे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में। पापा प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। क्या हुआ, बुरा लग रहा है इतना झगड़ा करने के बाद? नहीं बस सिर दर्द हो रहा है। तो इतना चिल्लाती क्यों कि सिर दर्द हो जाए? अब मदद नहीं कर सकते ना, तो परेशानी बढ़ाइए भी मत, चुपचाप सो जाइए। वैसे भी मेरा कोई झगड़ा करने का मूड नहीं है। कैसे होगा, आज का कोटा तो पूरा हो गया ना। शांत सही, शांत शांत। हाथ हटाओ। शांत से शांत। हाथ हटाओ से। उस तरफ मुंह करो और टर्न हो जाओ। मेरी दवाई उषा मौसी के पास है। उषा मौसी तो सो चुकी होंगी। दवाई का नाम बताओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स में चेक करता हूँ। दवा का नाम मुझे याद नहीं, मुझे बस ये याद है मेरे कॉलेज एंट्रेंस का रिजल्ट आने वाला है। बस मुझे कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, फिर उसके एडमिशन की भागा दौड़ी, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि मैं हॉस्टल की फीस पे कर पाऊँ। तुम हॉस्टल में रहोगी? हाँ, ताकि मैं यहाँ रहकर दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी ना कर सकूं। और आप जो मेरे कॉलेज की फीस भर रहे हैं ना, वो भी मैं आपको लौटा दूंगी सूद के साथ। ठीक है, लौटा देना सूद के साथ, लेकिन तब तक जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा, वो भी शांति के साथ। पर अभी फिलहाल फिंगर ऑन योर लिप्स। एक मिनट। इससे कुछ भी नहीं होगा। देखो इधर। ये माइग्रेन का दर्द है, इसे नहीं ठीक होगा विराट सर। मैं इस दर्द के बारे में जानता हूं, ये दर्द कम करना है ना, तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों के साथ साथ ये मुंह भी बंद करो। चलो। पता है विराट सर, जब भी मेरे ऐसे माइग्रेन का दर्द होता था ना, तो आबा गरम तेल की चंपी करते थे और साथ में कहानियां भी सुनाते थे। उनकी ज्यादातर कहानियां उनके केसेस ही होते थे। कमाल के ऑफिसर थे कमल सर। वैसे मैं तो उनके जैसा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास भी एक दो कहानियां हैं, कभी सुनना चाहोगी? हाँ, लेकिन मुंह और आंख बंद करके। हाँ
चुप रहती हो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती हो।